जिला सांबा के बड़ी ब्राह्मणा वार्ड नंबर 6 से कल लापता हुए 10 वर्षीय कृष्णा और उसकी बहन दिव्या जो 13 साल की है, सांबा पुलिस ने इन्हें कटरा से ढूंढ निकाला। कल से जब इन बच्चों के लापता होने की बात सामने आई तो सोशल मीडिया पर इनकी खोज के लिए हजारों पोस्ट शेयर हो गई। कृष्णा और दिव्या की सही सलामत मिलने से परिवार ने पुलिस का शुक्रिया किया। PCR के थ्रू और हमें पुलिस स्टेशन में अभी ये बताया गया कि दो बच्चे, इनके नाम आपको पता है, ये दोनों बच्चे घर से ट्यूशन पढ़ने के लिए जो आमतौर पे 4 बजे के करीब जाते थे और 6 बजे वापस आ जाते थे, 3 बच्चे जो हमेशा ट्यूशन के लिए जाते थे उस दिन, जिनकी आज 6 बजे जब छोटी बच्ची इनकी वापस आई है तो उसने बताया कि भैया और बड़ी दीदी जो हैं वो वापस नहीं आई हैं। तो घर वालों ने तलाश करना शुरू कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ। तीनों बच्चे इकट्ठे गए थे तो तीनों बच्चे सपोज टू भी इकट्ठे ही आने का था। तो उसके बाद उन्होंने सर्च स्टार्ट किया। सर्च स्टार्ट करने के बाद उनको पता चला कि उनका एक जो स्कूल का बैग है जो लेके वो ट्यूशन पढ़ने जाते थे वो गली के बाहर वाली एरिया में पड़ा हुआ था। तो इन्होंने तुरंत इन्फॉर्म किया पुलिस को कि ऐसे ऐसे है। तो इन्फॉर्मेशन मिलते ही SHO, SDPO मैम और हम सब जो हैं वो अपने अपने एंगल से सर्च करना स्टार्ट कर दिए। सभी को हमने मैसेज फ्लैश किए और जहाँ जहाँ CCTV कैमराज की उपलब्धि थी उनको खंगाला अच्छी तरह से ताकि कोई ना कोई क्ल्यू मिले। घर के सभी मेम्बरों के साथ बातचीत की और जो हमें क्ल्यू मिले उसके हिसाब से हमें लगा कि बच्चे जो हैं वो कटरा की तरफ रवाना हुए हैं और कटरा की तरफ हम जाने वाले ही थे, क्या हम घर यहाँ से निकल चुके थे। तो फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो बच्चे कहीं ट्रेस हो चुके हैं और हमने उनको फाइनली रिकवर किया। जो मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ हमारे पूरी टीम के साथ, अंडर द गाइडेंस ऑफ SSP सर हमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर पाए हैं इस चीज़ के लिए और ये बहुत ही जल्दी हम बच्चों को अपनी उनकी फैमिली से मिला पाए, इस चीज़ के लिए आई एम टोटली सेटिस्फाइड, हैप्पी और थैंकफुल टू गॉड।